नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हमारे पास आ गई है TVS रेडर। तो रेडर ओनरशिप रिव्यू होने वाला है, तो उनसे जानते हैं रियल टाइम माइलेज इसका क्या है, क्या परफॉर्मेंस है। अभी तक 1 साल हो गया लगभग उन्हें इस गाड़ी पे, और क्या उनका एक्सपीरियंस है गाड़ी के लिए, कैसी गाड़ी चलने में है, या अच्छी लगी उन्हें या बुरी लगी या कैसी लगी। तो उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं रेडर के बारे में। वैसे तो अपलोड मैं पहले भी कर चुका हूँ, जब रेडर लॉन्च हुई थी तो मैंने वीडियो इसका बना दिया था ओल्ड वाली का। तो उसके अगर फीचर्स वगैरह आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। और जो नई वाली रेडर आई है उसका हम बहुत ही जल्दी ओनरशिप रिव्यू भी लेके आएंगे, और नई वाली का फीचर्स के साथ में, पूरे फीचर्स के साथ में, स्पेसिफिकेशन के साथ में, पूरा डिटेल में वीडियो भी लेके आने वाले हैं बहुत ही जल्दी। तो जैसे ही मेरे पास नई वाली रेडर आती है, अपडेट कुछ भी आता है, तो फ़ौरन आपके लिए वो मैं लेके आऊँगा। तो अभी बात करते हैं हम इसके जो ओनर है रेडर के, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। हेलो भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सरजान। दिसंबर में दी थी लास्ट में, लगभग 26-27 तारीख को। तो मतलब 1 साल होने वाला है आपको, तो लगभग अक्टूबर चल रही है और नवंबर दिसंबर 10 महीने करीब होने वाले हैं बाइक को लिए हुए। तो अभी ये कितनी चल गई है? गाड़ी 9,800 कुछ चल गई है। तो इधर थोड़ा सा आप दिखाओ, गाड़ी जो चल गई है ये अभी दिखा रहे हैं 9,880 किलोमीटर अभी ये चल चुकी है। तो 9,880 किलोमीटर में अभी तक आपकी कितनी सर्विस हो गई है इसमें? सर्विस हो गई 3। अच्छा, कंपनी की तरफ से फ्री सर्विस मिली जी थी, तो कहाँ से ली थी आपने पहले बताइए? या बरेली से ही ली थी स्टेडियम आपने? रोड से जी अच्छा, स्टेडियम ग्रोवर से, जी TVS ग्रोवर से ली थी। अच्छा, तो ये आपने फाइनेंस कराई थी गाड़ी या फिर कैश पे कैश पे ली थी? तो उस टाइम कितने की पड़ी थी ये गाड़ी? 1,03,000 की। आप सुन सकते हैं, 1,03,000 रुपये की 125 cc की रेडर मिली थी। अच्छा, गाड़ी आपने यही क्यों ली? गाड़ी फीचर अच्छे लगे इसके, इसलिए ली थी। अच्छा, इस कोई और भी गाड़ी आपने देखी थी इसके अलावा? इसके अलावा कुछ नहीं देखी थी। मतलब 125 पे ही आप जाना चाह रहे थे, या फिर 160, या और कोई नहीं गाड़ी नहीं एक सौ स्प्लेंडर वगैरह भी एक सौ देखी थी पच्चीस आपने? में और कोई पसंद नहीं आई गाड़ी। अच्छा, मतलब आप लुक भी चाह रहे थे, एक स्पोर्टी लुक मिल जी जाए हाँ आपको, और चलने में भी गाड़ी बढ़िया हो, हाँ फीचर्स वगैरह मिल जाए, वो हाँ फुली डिजिटल मीटर मिल रहा है बाकी। अच्छा, इसकी सर्विस 3 आपको अभी पूरी कर ली है आपने, हाँ अपनी फ्री सर्विस मिली है, फ्री कुछ सर्विस आपको में पे करना पड़ा उसमें? कुछ नहीं पे करना पड़ा। सब कुछ फ्री, कोई ऑयल वगैरह का चार्जेस? ऑयल वगैरह का चार्जेस पड़ा था कितने की कॉस्ट पड़ी? लगभग 700 रुपये। मतलब आप देख लीजिए, 125 cc की गाड़ी और 700 रुपये आपको सर्विस की कॉस्ट खाली पड़ी है, तीनों सर्विस की कॉस्ट, मतलब 700-700 रुपये जी तीनों बार देने पड़े हाँ आपको। मतलब देख लीजिए कितना, मतलब कॉस्ट मतलब कितनी कम है, कम से कम में मतलब आप 700 रुपये, मतलब 1,000 रुपये के अंदर आपकी सर्विस हो गई रेडर की। अच्छा, माइलेज जैसे लोगों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूज होंगे, रियल टाइम माइलेज आपको अभी तक इसने, आपने क्या ऑब्जर्व करा है? 55 से 50, 50 के बीच में है लगभग 55 से 50 मिला है जी आपको जी अभी तक। अभी तक, जी मतलब अगर आप हाईवे वगैरह पे ले गए हो तो? तो फिर 55 से 1-2 किलोमीटर बढ़ गया होगा बस। 55 से, मतलब 50 से ऊपर मिला है हाँ आपको हाँ माइलेज। आप सुन सकते हैं, जैसा कि भैया बता रहे हैं, 55 से, मतलब 50 से ऊपर ही माइलेज मिला है, 55-56 के समथिंग आराम से माइलेज मिला, तो माइलेज भी अच्छा खासा इसमें मिला है। और मतलब गाड़ी की माइलेज की अगर हम बात करें तो रियल टाइम जो माइलेज है वो 55 आप मान के चलिए। अच्छा, गाड़ी चलने में आपको कैसी लगी? गाड़ी अच्छी चलती है अच्छी चलती है गाड़ी, जी। कोई कमी वगैरह गाड़ी में लगी अभी आपको? नहीं अभी तक जो तो रियल है वो चीज़ आप मुझे बताइए, कोई भी गाड़ी में अगर कमी लगी हो तो? नहीं अभी तक तो कोई कमी नहीं लगी है। कोई भी कमी नहीं नहीं लगी, सर्विस वगैरह भी बिल्कुल ओके हुई हाँ आपकी, कोई कमी नहीं नहीं लगी नहीं आपको गाड़ी में? कोई कमी नहीं है अभी अच्छा, तक। तो LED लाइट्स वगैरह आपको, मतलब इसकी हेडलाइट वगैरह बढ़िया लगी, इसकी बिल्कुल डिस्क वगैरह सब कुछ हाँ अभी तक तो बढ़िया कोई लगा? दिक्कत आई नहीं है, 1 साल हो गई मुझे। अच्छा, 1 साल हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई है, जी चलने में मस्त लगी बिल्कुल हाँ आपको? अच्छा, लॉन्ग रूट पे ले गए हैं आप इसे? लॉन्ग रूट में केवल 25 से 30 किलोमीटर तक गए, इससे ज़्यादा नहीं गए। इससे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आई है नहीं आपको चलाने में? आप देख सकते हैं रेडर की गाड़ी बढ़िया है, और नई वाली जो आई है वो भी बढ़िया, क्योंकि लॉन्ग फीचर रूट के से। लिए यहाँ पे पावर के दिया है, एक इको का बटन दिया है ये। हाँ, इसमें जैसा कि, अगर हाँ बताइए। अगर लॉन्ग टूर पे जाना है तो इस पावर पे चला सकते हैं आप, और अगर शहर में कहीं भी जाना बाकी है इको मोड तो पे आप इको इसे मोड ले सकते जी हैं। अब जो आप नई वाली देखेंगे तो नई वाली में आपको यहाँ पे मोड्स मिलेंगे, वो मोड्स आपके आ जाएंगे, मतलब इसमें स्पोर्ट्स मोड आ जाएगा, रेन मोड्स आ जाएगा, अर्बन मोड्स आ जाएगा, तो काफ़ी सारे फीचर से लैस होके आई है नई वाली, उस पर भी हम वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आने वाले हैं। तो मतलब भैया का जो एक्सपीरियंस है गाड़ी के लिए बढ़िया था, बिल्कुल बिल्कुल ओके था, कोई भी हाँ परेशानी आपको नहीं गाड़ी अभी में तक तो नहीं कोई दिक्कत लगी। नहीं है।
अच्छा, अब इसकी जो सर्विस होने वाली है और वो पेड सर्विस होगी। अच्छा, सर्विस कॉस्ट वगैरह कुछ बताई उन्होंने, अब कितनी जाएगी? जैसे पहले तो 700 रुपये थी, हाँ अब कितनी जाएगी? जैसे अब 1000 के लगभग, 1000 से 1200 तक जाएगी। अच्छा, तो 1000 से 1200 की सर्विस जाएगी जो पेड सर्विस होगी इसकी। और गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हैं थोड़ी सी, भैया जैसा कि ज़्यादा चलाते हैं इसे, उनका फील्ड वर्क है, तो फील्ड वर्क के हिसाब से गाड़ी थोड़ी सी ज़्यादा मेंटेन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने डेली यूज़ के हिसाब से जो ली है जिस हिसाब से। अच्छा, आपका फील्ड वर्क है, डेली आप इसे चलाते हैं? जी डेली 100-125 किलोमीटर चल जाती है? हाँ, नहीं 50 से 60 किलोमीटर चल जाती है डेली। अच्छा, डेली 50 से 60 किलोमीटर चल जाती है। 50 से 60 किलोमीटर डेली इसे आप दे जाती है। और मतलब गाड़ी में आपको सस्पेंशन वगैरह कैसे लगे, मतलब गड्ढे वगैरह पता लगते हैं आपको इसमें? नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गड्ढे वगैरह मालूम नहीं पड़ते? अगर गहरे गड्ढे वगैरह में आ जाए तो? नहीं, अभी तक बिल्कुल ठीक लगती है चलने में। अच्छा, हेडलाइट वगैरह मतलब विजिबिलिटी नाइट रूट में कैसी लगी आपको इसकी? नाइट में एलईडी बढ़िया है इसकी। अच्छा, एलईडी लाइट बढ़िया लगी आपको। अच्छा, अभी तक कोई पंचर वगैरह हुआ है इसमें? ट्यूबलेस टायर है वैसे तो। पंचर एक बार हो गया, वो ट्यूब कंपनी ने बदल के दिया था। अच्छा, दिया था उन्होंने बदल के। मतलब गाड़ी का पंचर जब हुआ था तो गाड़ी तो बिल्कुल रुक गई थी या फिर मतलब चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी? टायर खराब हो गया था इसलिए चेंज कराना पड़ गया। अच्छा, टायर ही खराब हो गया था? हाँ, टायर तो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब करा उन्होंने या कुछ चार्जेस लिए? फ्री किया था, केवल 300 रुपये गए थे। तो टायर पीछे वाला था जी? तो आप देख सकते हैं भैया बताना, पीछे वाला जो टायर था वो कट गया था और उन्होंने फ्री मतलब रिपेयर मतलब 300 रुपये लिए थे और नया टायर दिया था जी, तीन साल की गारंटी के साथ। 3 साल की गारंटी के साथ मतलब हो क्या गया था उसमें, कट लग गया था? कील लग गई थी तो फटता चला गया था, वो टायर ही फट गया था पूरा। हाँ, टायर फट गया। अब बता रहे भैया कि टायर ये फट गया था और इसमें कील लग गई थी तो उन्होंने नया टायर दिया। चलिए, ये तो बात बहुत अच्छी है कि नया टायर आपको मिल गया। इससे पहले कौन सी गाड़ी थी आपसे? इससे पहले रेडियन थी, वो भी टीवीएस की। अच्छा, थी वो भी टीवीएस की थी। घर में 3 गाड़ियां हैं, तीनों टीवीएस की हैं। अच्छा, तीनों टीवीएस की, मतलब गाड़ी तो है ही अच्छी, मतलब ब्रांड अच्छा है और गाड़ी भी बढ़िया है, तो मतलब आपने टीवीएस ही अभी तक चलाई है, कोई कमी आपको नहीं लगी इसमें? अब रोनिन लेने का मन है। अच्छा, रोनिन लेने का मन जी। अच्छा, जो लोग जैसे अभी रेडर पुरानी तो है या नई वाली लेने की सोच रहे हैं, देखिए इंजन तो वही है, इंजन स्पेसिफिकेशन आपको लगभग वही मिलेंगे गाड़ी में, बाकी फीचर्स काफ़ी सारे चेंज कर दिए गए हैं। तो जो लोग लेने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए क्या है, मतलब गाड़ी थोड़ा सा बताओ, बढ़िया लगी मतलब बढ़िया है, ले सकते हैं गाड़ी जो लोग लेने की सोच रहे हैं? 125 के हिसाब से तो बहुत बढ़िया गाड़ी है, 125 cc के हिसाब से बहुत बढ़िया गाड़ी है। 50 से 60 किलोमीटर इसका माइलेज है। हाँ, वो 55 आप बता ही रहे हैं, 55-56 के करीब मिलता ही है। हाँ, तो वैसे दिक्कत कोई नहीं है इसमें, गाड़ी बढ़िया लगी। 1 साल हो गई मुझे, आज तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। अच्छा, अब जो नई वाली आ रही है वो थोड़ी सी शायद महंगी है, 1,20,000-25,000 के आसपास है शायद, ऑन रोड कंफर्म नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो मैंने सुना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। भैया ने हमें अपना समय दिया, उसके लिए थैंक यू भैया। बाकी और जैसे ही नई वाली आती है फटाफट हम आपका उसके लिए रिव्यू लेके आएंगे अपने हमारे चैनल पे, आपको जल्दी से देखने को मिल जाएगा उसका रिव्यू। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। मिलेंगे हम लोग किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू, बाय।